ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। देश में हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाएं जैसे जैसे लगातार बढ़ती जा रही हैं, पूरे देश में मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटना में भीड़ ने तबरेज अंसारी को मार डाला था, मगर टिकटॉक पर 07 ग्रुप ने मॉब लिंचिंग पर एक वीडियो शेयर किया, जिसे इस वीडियो को पोस्ट करना भारी पड़ गया। टिकटॉक वीडियो को लेकर 07 ग्रुप पर FIR दर्ज किया गया है। दरअसल 07 ग्रुप ने मॉब लिंचिंग में मारे गए तबरेज अंसारी की मौत पर एक वीडियो टिकटॉक पर शेयर की थी, उससे माहौल खराब होता है। हम 07 ग्रुप का वो विवादित टिकटॉक वीडियो आपको दिखाते हैं। मार तो दिया तुमने उस बेकसूर तबरेज अंसारी को, लेकिन कल जब उसकी औलाद बदला ले तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी है। तबरेज अंसारी को जिस तरह से पीट पीट कर मार डाला गया था, ये बिल्कुल गलत है, मगर जिस तरह से ये टिकटॉक वीडियो भी ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देती है, क्योंकि 07 टीम के फॉलोअर काफ़ी ज़्यादा हैं और वीडियो उन पर काफ़ी गहरा असर डाल सकती है। इस वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल होते ही रमेश सोलंकी ने साइबर सेल में इसकी शिकायत की और 07 टीम पर FIR भी दर्ज की गई। शिकायतकर्ता रमेश सोलंकी के मुताबिक 07 ग्रुप के 3 अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं। सस्पेंड हुए अकाउंट से अब कोई भी पोस्ट नहीं किया जा सकता। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।